हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है क्रिसमस, 25th of December, और आज मेरा छुट्टी है। नए ऑफिस में जाने का यही फ़ायदा हुआ, हर फेस्टिवल में छुट्टियाँ मिलेंगी। और कल संडे था, कल पूरा दिन मैं सोई आराम की। मेरी सर्दी हो गया तो थोड़ा फीवर भी हो गया था, इसलिए कल मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। तो अभी जा रही हूँ मैं, पोछा लगाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे बनाना है गाजर का हलवा, फिर मुझे पार्लर भी जाना है। तो मिलेंगे फिर थोड़ी देर बाद, नहाने होने के बाद मिलती हूँ मैं। पोछा लगे, अब जा रही हूँ मैं, बाद में थोड़ा कलर करती हूँ, आगे आगे साइड ही करूँगी, हल्का हल्का ये वाइट हो गया। फिर जाऊँगी, नहाऊँगी, वॉशरूम टॉयलेट सब क्लीन करना है। तो मैं वीकली बेसिस पे क्लीन करती हूँ ना, तो अब वो सब क्लीन करूँगी, फिर मैं जाऊँगी पार्लर एंड एक दो और काम है वो करूँगी। तो मिलते हैं बाद में। और नाश्ता भी नहीं किया है, तो पहले सोचो नाश्ता कर लूँ, पहले बाद में कलर करती हूँ फिर नाश्ता। आज मैंने गाजर लेकर आ गई हूँ। कितना रुपये के जी है? 50, 40, 60 ऐसे के जी दे रहे हैं। तो मैं 1.5 के जी लेकर आई हूँ। तो गाइस, आज मुझे छुट्टी थी तो सोचा मैंने गाजर का हलवा बना लूँ, बहुत टाइम से मन कर रहा था। तो मैंने ये 1.5 किलो लाया गाजर, और फिर गाजर को पहले ना मुझे ये यूनिक तरीके से मुझे बनाना है। तो पहले इसको मैंने धोया, फिर इसको छील लिया है। छीलने के बाद मुझे ग्राइंड नहीं करना है, ना ही तो ग्रेट करना है, पूरा अच्छे से छीलने के बाद, क्योंकि जो अगर छिलके जो रहते हैं ना, इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी रहती है, तो इसलिए पूरा छील लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो खाने में वो मिट्टी का स्वाद वो दांत में लगता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो पूरा गाजर मैंने छील लिया है, और ये सफाई करते रहूँ। अभी यहाँ पर थोड़ी मिट्टी मिट्टी होगी, इसको क्लीन कर दूँगी, और फिर अभी इसको मैं कट करके फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी, साइड के जो है ना वो कट करके निकाल लूँगी। और आपको गाजर बनाना है ना, तो पतले पतले गाजर ही लो, क्योंकि ज़्यादा मोटे गाजर रहते हैं ना, तो वो वाइट वाला पार्ट ज़्यादा आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मुझे दुकान वाले ने दिया, सब्जी वाले भैया ने, कि गाजर का हलवा बनाना है तो ये मोटे मोटे ही गाजर ले लो। मैं बोले नहीं नहीं, पतले पतले ही चाहिए, पतले पतले में टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, उसका मिठास बनी रहती है। तो इसको मुझे छोटे छोटे कट करने हैं, इस आप बड़े बड़े साइज भी कट कर सकते हो, 1-2 इंच तक भी कट कर सकते हो, बट मैंने सोचा ऐसे छोटे छोटे कट करते हो, इससे बड़े बड़े भी हम लोग कट कर सकते हैं। फिर ये फाइनली पूरा कट करके रख लिया है मैंने, और हम इसको बनाएंगे कुकर में। जी हाँ, कढ़ाई का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, और बहुत एकदम इसमें खोआ का स्वाद है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे घी ले लेना है, घी थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, जैसे आपका गाजर का क्वांटिटी होगा वैसे ही घी लेना है। ये मैंने लास्ट ईयर बनाना स्टार्ट किया था, लास्ट ईयर एक बार फर्स्ट टाइम बनाया था, फिर उसके बाद से मैं अब जब बनाती हूँ तो कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कम से कम 2-1.5 किलो गाजर का हलवा बनता है, तो भी सबको होता है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये आइडिया निकाला। और ये घी में हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे, भून लेंगे तो गाजर का जो मतलब कच्चापन है वो निकल जाता है, और फिर इसको बाद में भी बहुत टाइम तक हमें इसे कुक करना ही है, जब तक कि इसका जो घी नहीं निकल जाए तब तक कुक करना ही है। और फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मतलब 5 मिनट तक भूना, बस उससे ज़्यादा नहीं भूना। फिर इसमें देखो ये मैंने डाल दिया है मलाई, मलाई रखी हुई थी फ्रिज में आज की निकाली हुई, और फिर इसमें डाल देंगे दूध, दूध मैंने 1.5 लीटर से ज़्यादा ही ऐड किया है इसमें। और फिर ये मलाई जो है ना, ये काम करेगी खोआ का, और दूध भी खोआ का ही काम करेगा। ज़्यादा दूध डालेंगे तो जितना टाइम तक कुक होगा गाजर, वो खोआ का खोआ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा दूध और मलाई। और यहाँ पे मैंने चीनी में डाल दिया है, अब इसको हम लगा देंगे सीटी। सीटी भी जो विसल है, जो सबके कुकर का अलग अलग होता है, पैटर्न होता है, तो हमारे यहाँ पे तो 5-6 सीटी दे देगा तो हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाना चाहिए, गल जाना चाहिए गाजर बस। फिर उसको बाद में हमें कलछुल से या मेशर से उसको मेश करना रहेगा। तो फिर अभी मैं इसको कुकर लगा देती हूँ। गाइस, अब 5-6 विसल्स हो जाएंगे तो फिर मैं बंद करूँगी गैस, और मैंने खाना नहीं खाया था, थोड़ा सा खा लूँ।
खाना नहीं खाया था, तो फिर मैं थोड़ा दाल राइस खा रही हूँ। बाहर चले गई थी, भूल गई थी खाना खाना ही। मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखो 5-6 सीटी दे दी है, और ये साइड साइड में जो मलाई सब फैल गई है, इसको अच्छे से हम अच्छे से एक इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसको मैश कर लेंगे। इससे मैश नहीं हो रहा था, फिर मैंने कलछुल लिया, फिर मैंने यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास मैशर नहीं है, तो फिर मैंने ग्लास का यूज़ किया है। मैं दिखाती हुई, देखो ग्लास से भी मैंने इसको मैश किया है। और फिर उसके बाद इसको हम लोग बहुत पकाएंगे, क्योंकि अभी जो मिल्क है ना, दूध है ना, वो पका हुआ नहीं है, अभी पूरा सोक कर लेगा गाजर। इसमें काजू, बादाम, पिस्ता जो भी डालना वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें काजू और बादाम ही डाला है। और फिर उसके बाद थोड़ी सी इलायची कूट कर भी डाल देंगे, तो मैं इलायची भी कूट लूँगी। पहले मैं काजू बादाम उसको कूट लूँगी, और फिर ऊपर से थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर दूँगी। ये है बादाम। हमारे यहाँ पे सारे गरम मसाले ग्राइंड करके रखवा दिए गए हैं, सूखे वाले। तो दालचीनी थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो फिर दालचीनी मैं शॉप पे गई और दालचीनी लेकर आई। और मैं कहीं तो बाहर गई थी, इसलिए फिर मैंने यही कपड़े पहने थे, तो फिर मैंने चेंज नहीं किए। जो ऑफिस में वेयर करके जाती हूँ पैंट, वही पहनी, फिर बाद में मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि कम्फर्टेबल नहीं रहता है। फाइनली ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो रहा है, अभी भी बाकी है। कम से कम गाजर का हलवा अगर ज़्यादा बना रहे हैं, 2 KG तक बना रहे, तो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं गाजर का हलवा बनाने में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उसको एकदम जब तक घी नहीं छोड़ता है तब तक मैं उसको कुक करती हूँ, तभी जाकर टेस्ट अच्छा आता है, तभी खोए का टेस्ट आता है। ऑलमोस्ट अभी ये फाइनल स्टेज पे है, समझ लीजिए हो गया है। देख लीजिए ये हो गया है, घी छोड़ा है ना, कुकर में दिख रहा है, तो मतलब ये फाइनली हमारा गाजर का हलवा बन के रेडी है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कितना एकदम रसीला हुआ है ये घी, ये पानी नहीं है जो दिख रहा है ना, तो रसीला टाइप, तो घी और जो चीनी का जो टेक्सचर जो मिक्स हो जाता है एक दूसरे को, वही है वो। पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, पानी पूरा सोख कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। मैं सब फ़ोन सामने से रखती हूँ ना, तो वो लाइट उसके ऊपर ही, मतलब लाइट नहीं दिखता है, फ़ोन का जो परछाई है वो आ जाता है, शैडो दिखने लगता है। देखो कितना रसीला हुआ है गाजर का हलवा। मुझे तो बहुत गाजर का हलवा पसंद है, आप लोगों को पसंद है क्या आप लोग जरूर बताना। ऊपर से मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, कैसा लग रहा है देखो, कितना यम्मी यम्मी से लग रहा है ना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और या जो नए होते हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पहले तो रेड दिख ही नहीं रहा था, देखो इससे और ज़्यादा रेड दिख रहा है, ये थोड़ा ऑरेंजिश लग रहा है, और जो ओरिजिनल में ना थोड़ा रेड दिख रहा था, अभी रेडनेस आया है थोड़ा। गाइस हलवा बन गया। अब कल मुझे बहुत सर्दी हो गई थी, फीवर भी हो गया था, तो अभी थोड़ा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा है प्रॉब्लम, मन कर रहा कुछ चटपटा खाने का, बुखार नहीं है, सोच रही हूँ सूप पी कर आती हूँ। बस आज का ब्लॉग यहीं था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, और ऐसा गाजर का हलवा ज़रूर बना कर देखना, एक नंबर होता है, एक नंबर, ना घिसना ना कोई मेहनत भी लगता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इसमें, टाइम तो लगेगा क्योंकि गाजर को पकाना पड़ता है ज़्यादा, तो टाइम लगता है। ओके बाय बाय।